मऊ जिले में जहर खुरानी करने वाला एक गिरोह सक्रिय है। लगातार बाहर से कमा कर घर लौट रहे लोगों को यह गिरोह अपना शिकार बनाता है और लूटपाट करता है। इसी क्रम में कलकत्ता में काम कर रहा एक व्यक्ति पूर्वांचल एक्सप्रेस से मऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। इसके बाद उसे घर पर जाने के लिए स्टेशन से अपने रानीपुर थाने के केरमा गांव के लिए ऑटो बुक करना पड़ा। ऑटो से वह अपने घर जा ही रहा था कि स्थानीय लोगों के ही दौलन सेपुर गांव के पास जहर खुरानी का शिकार हो गए और गिरोह के लोग उसके पास रखे 40,000 रुपए, 2 मोबाइल, सोने की चेन सहित सारे सामान को लेकर फरार हो गए। फिलहाल आनन फानन में उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने जहर खुरानी के शिकार हुए पीड़ित के हालात को गंभीर बताया। वहीं पुलिस लगातार गिरोह के सक्रिय होने से पर्दाफाश करने में जुट गई है। मरीज आया है, बेहोशी के हालत में उसको लाया गया है कानपुर ब्लॉक से। मरीज की हालत पहले से स्थिर है, प्राथमिक उपचार देकर उसको भर्ती किया गया। फिलहाल कुछ पता चला है क्या हुआ है? अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। मरीज जब तक पूरी तरीके से होश में नहीं आ जाता है तब तक नहीं पता चलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस से आ रहे थे घर जाते हुए, जाते हुए भाई से अपने बात किए, उसके बाद कहाँ जा रहे थे? ये केरमा जा रहे थे। कितना क्या इनके पास था, क्या गायब हुआ? इनके पास करीब 35,000 रुपये थे कैश, एक औंठी थी, दो स्क्रीन टच मोबाइल थी और कपड़ा था साड़ी में। डॉक्टर ने क्या बताया अभी? डॉक्टर बोले कि नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट।